हरे सीताराम 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 कहिए मेरे उत्तराखंड। दोस्तों ये है प्रसाद, बिल्कुल बढ़िया सा बना हुआ मंदिर का। स्माइल तो अच्छी दे रहे हो आप, किले दान नहीं बोलमा कड़कड़ हैगी पूरी है। तो नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आपका भाई भी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और इन पहाड़ों में कहीं ना कहीं व्यस्त है। तो दोस्तों आज मेरा काफ़ी लंबे टाइम के बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ, क्योंकि इस बीच ना थोड़ा सा बिजी चला था, तो आज फिर मौका मिल गया भाई अपने छोटे से गांव में जाने का। जी हाँ दोस्तों, ग्राम सभा तल्लापाली में जाने। दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे देवधाम में, एक ऐसे अतुल्य धाम में, नाथ जी के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, हरजू की धुनी में, जो कि ग्राम सभा तल्लापाली में स्थित है। तो वहाँ ना आज एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम है, भव्य समारोह है, क्योंकि ना मंदिर में होने जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं, जो ग्राम सभा तल्लापाली में पुराना जो हरजू का मंदिर था ना, उसका जीर्णोद्धार हो गया है, मतलब उसको नए तरीके से मॉडिफाई कर दिया है गांव वालों ने, क्योंकि ना लोगों की आस्था का एक केंद्र है, आस्था का एक प्रतीक है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा ना दान देते हैं और अपने इस देवधाम को और ज़्यादा प्यारा बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज आपको उस मंदिर के भी दर्शन कराऊँगा और साथ ही भक्तों की जो प्रभु के प्रति आस्था है ना, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं मंदिर प्रांगण में। जी हाँ दोस्तों, हरजू के मंदिर प्रांगण में, क्योंकि ना वहीं पे होने जा रही है भव्य यात्रा। और अभी फिलहाल चले हुए हैं वहाँ पर महिला संगीत और साथ ही माँ भगवती के, प्रभु के, गुरु गोरखनाथ जी के, गुलजू के प्यारे प्यारे भजन, सुंदर सुंदर भजन। तो सभी लोग भाई मस्त हैं आज वहाँ पर, तो वहीं लेके चलते हैं। तो दोस्तों पहले मैं ग्राम सभा तल्लापाली में पहुँच गया हूँ, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। यहाँ पर हरजू सेवा समिति, हमारे रोहित भाई जो है ना मंदिर में चढ़ाने के लिए घंटी ले जा रहे हैं। तो ये कौन चढ़ा रहा है इसको? अच्छा अम्मा जी चढ़ा रही हैं आपकी। तो दोस्तों ये है घंटी, दिखा, ये एक बार टन करिए। एक और कर यार, एक आधी कर। संकेत, अरे बोल छे, ठीक है तू? और सुना, और अनु नमस्कार, खुश रहो। भले हर से तू बुझा अंकित, सही चले जाओ। हमारी समस्त मात्र सकते हैं यहाँ पर सज धज के बिल्कुल रेडी हो गए भाई। है क्या? अच्छा सब पंजाबी हो आप? अच्छा, देखिए ना, चलो धन्यवाद आपका। Yeah.
मंदिर प्रांगण में तो बढ़िया से भजन चले हुए भाई, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे, और इधर कुछ भक्त लोग ना प्रसाद तैयार कर रहे हैं, जो मंदिर में जितने भी भक्त लोग दूर दूर से आ रखे हैं उनको ये प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे रोड तैयार है भाई, बहुत ही बढ़िया से प्यारे से। सीताराम कहिए जाहि विधि राखेरा, वाहि विधि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा, वाहि विधि हमारी योगिता बान पोथिन और ये जगदीश दा का लड़का ना। हेलो, इसका नाम क्या है? वंशी। वंशी, आप क्या खा रहे हो? तो दोस्तों आप देख रहे हो ना, बाखली में बिल्कुल चहल पहल है भाई, सभी लोग आ गए घर पे बैठे हुए, मजे ले रहे हैं, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाओं का। अपर मत मत पुलम ला रही हूं, चोर चार में खा लिया, कोई बात ना, गई नहीं कोई नहीं, बाय 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 बाय। हाँ, यहाँ पर भी दादी लोग बैठे हैं, बिल्कुल अभी शाम के ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। आ जाओ भाई। आपका भाई साहब, ये हमारे रोहित हैं जिनका प्यारा सा गांव है। हेलो चचा जी, चचा जी, ये शाम का मौसम बड़ा सुहाना है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। आपने हमको आमंत्रित किया था, और बढ़िया घुरा फिर आप शाम की तैयारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, चलो 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 चलो, चलो। ठीक है चचा, ठीक है, हाँ मैं आता हूँ, ऊपर ही आता हूँ आपको मिलने के लिए। हाँ ये मैं ऊपर ही आता हूँ ताऊजी को मिलने के लिए, ताऊजी का नया भवन भी दिखा देते हैं। और क्या साथ ही, अब तो डेंटिंग पेंटिंग सब हो गई है, बढ़िया सी, काफी प्यारा लग रहा है भाई। और मंदिर तो सामने में ही है, क्योंकि प्रभु के दर्शन सीधे होते हैं यहाँ से, तो प्रभु का द्वार है ये। हाँ ना, बढ़िया किया, बढ़िया किया। हाँ भूप जी बताओ। घर की ये खूबी है, हाँ मंदिर की भी है, जब मंदिर का काम शुरू हुआ तो इसका भी काम, हाँ भी बना, ये भी बना, बिल्कुल साथ ही भगवान की ऐसी महिमा आपने कहीं नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ना, ये तो है प्रभु की लीला है सब। तो दोस्तों फाइनली जो है भोग लगने के बाद, अभी सभी भक्त लोग जो दूर दूर से आ रखे हैं, ग्राम सभा के लोग और जो शहरों से अभी गुरु गोरखनाथ जी की यात्रा देखने के लिए अपने पैतृक निवास स्थान में आ रखे हैं, सभी लोग अभी जो है ना गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भक्तों को खिला रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी प्यारा सा और सुंदर सा माहौल है, और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए यहाँ पर सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम सभी लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाते हैं और उसके बाद ना स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं, और शाम को आपको थोड़ा बहुत गुरु गोरखनाथ जी की यात्रा भी दिखाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल आप ब्लॉग में बने रहे। अरे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा, वाहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए।
तो दोस्तों ये है प्रसाद, बिल्कुल बढ़िया सा बना हुआ मंदिर का, टेस्टी सा, तो सभी को टेस्ट कराते हैं। स्माइल तो अच्छी दे रहे हो आप, किलो दान नहीं बोल माँ, कड़कड़ है की पूरी है। अच्छा मैडम है, मैडम अंकित दिख रही है, अंकित अंकित ये ये बड़ा हो रहा है, साथ और क्या, बिल्कुल मजा आ गया। चलो बढ़िया, कसम से काबिले तारीफ हमारे पणजी लोगों की, बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत अच्छा हो रहा है, सब बांटने वाले और भी बड़े बड़े प्यार, वाह वाह, बहुत प्यार दिखला रहे हैं, प्यार दिखला रहे हो, चार की जगह आठ खा गया मैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम बोले चाह बना रहे फैसला दूर भाई, तो अम्मा को कब से हम मना रहे हैं कि अम्मा हमारे लिए एक हटा चाह बना दो, मगर अम्मा ने अभी तक तो चाय नहीं बनाई। आप सब अम्मा का हाथ बाजू देख लो, सोच लो चाह पिया जा, नहीं पियाना हुआ हम प्योल में, अब लाल पान है यार, कहाँ पीनी है यार, बखता गिर रहा है मार, अभी हम हैं तल्ला पाली और पाली के बीच में, तो 2:41 का समय हो रखा है, तो थोड़ा डर भी लग रही थी भाई, हम दो ही लोग थे तो थोड़ा घबराए हुए से हैं, बट हमें ऊपर पहुंचना है पाली अभी। तो यात्रा तो समाप्त हो चुकी है, और अभी तक का जो भी रहा ना सफर, काफ़ी प्यारा सा बढ़िया सा रहा, तो अभी आपको आगे दिखाता हूँ, बाघ भी मिल सकता है, और इधर से चचा का धुआं उड़ रहा है भाई बीड़ी का।